भारतीय स्किल लॉटरी में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों एलपी 2024 की जो वैकेंसी आई उसमें बहुत ही कम वैकेंसी आई, उसी को लेकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह क्या करेंगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। क्योंकि दोस्तों 5000 मतलब वैकेंसी में कुछ नहीं होना, क्योंकि 6 साल में 5000 की वैकेंसी इतना इम्पॉसिबल है, कहाँ तक ये हमारे लिए जायज़ है। तो इसलिए ट्विटर कैंपेन हमारा चलाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और ये आंदोलन होके रहेगा। तो इसी के पक्ष में एस के झा और निराला सर ने इस वीडियो क्लिप में कहा क्या कहा, इसको अच्छे से आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और उनका सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल सके। ठीक है, तो देखिए इस क्लिप को वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सोच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई सोच रहा है कि इस बार छोड़ दिया जाएगा और इतनी ही वैकेंसी से सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा मेरे दोस्त। इस बार कहीं से छोड़ने वाला बात नहीं है, किसी भी प्रकार की धूर्तता इस सरकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब अति हो गया और अति का अंत होना निश्चित होता है। तो मेरे दोस्त जो भी बच्चे अभी तो कहीं पर भी ट्वीट दिख नहीं रहा है, हम लोग एक नंबर पे ट्रेंड करने वाले थे और देखो क्या हुआ, अभी तो कहीं पर भी ट्वीट दिख नहीं रहा है मेरे दोस्त। ये समझ लो कि अब लड़ना पड़ेगा, इसके अलावे अब कोई विकल्प बचा नहीं है और सब लोगों को साथ मिलकर लड़ना होगा, अब कोई उपाय बचा नहीं है। इसलिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिसको जहां से जो मिलता है आवाज उठाओ। आज 20 है, कल 21 है, 22 तारीख को राम मंदिर का जो भी करना है इन लोगों को कर लेने दो और फिर 23 के बाद फिर अलग रुख होगा और कहीं ना कहीं सरकार को चीजों को समझना ही होगा। अब डरने वाला कोई नहीं है, अगर उनको लगता है कि हम किसी को डरा देंगे तब कोई डरने वाला नहीं है। सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 6 साल में इतनी कम वैकेंसी क्यों है, अगर है तो इतनी कम वैकेंसी क्यों है, क्या पूरे एक साल में क्या 1000 पूरे भारतवर्ष में लोको पायलट रिटायर हुए हैं, कहां का मजाक है। और अगर ऐसा मजाक करना ही था तो पहले बता दिए होते, बच्चे तैयारी ही नहीं करते, कोई और एग्जाम की तैयारी करते, क्यों आईटीआई स्किल इंडिया की बात करते हैं और कहीं पर रोजगार छीना जाता है। तो मेरे दोस्त इन सब बातों पे बात करना होगा, इसका कोई कोई ना कोई ठोस सॉल्यूशन खोजना होगा। रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं और जब भर्ती के नाम का नाम आता है तो 5600 वैकेंसी थमा दिया जाता है, ये कहां से जायज है पता नहीं। अगर आप सब लोग ट्विटर से हटा दिया गया है, ट्विटर पे नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, हैशटैग को ही हटा दिया गया है, हैशटैग को ही हटा दिया गया है। देखो कितना बड़ा कहते हैं ना, मतलब अगर धोखा ही देना है मेरे दोस्तों, सामने से आके कह दे मोदी जी कि हम आपको बेरोजगार ही रखेंगे, ये ट्विटर से हैशटैग हटाने का क्या मतलब, और कौन है ये लोग जो ऐसा काम करते हैं मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो मोदी जी सामने से आके कह देंगे कि हम आपको कोई रोजगार नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग भी मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करके अब बताओ ये ट्विटर से ट्वीट ही हटा दिया जाता है। दीपक सर कहा जाता है कि नफरत क्या होती है, अभी सचमुच में लग रहा है कि नफरत क्या होती है, मोदी नाम से नफरत हो गया है लोगों को, वादे भूल गए ये साहब, इन्होंने वादा किया था। मुझे याद है जब पहली बार चुनाव में ये पता चला था कि भारत के प्रधानमंत्री कोई मोदी नाम के इंसान बनने वाले हैं, तो पता चला था जब सारे युवाओं को, तो सारे युवा अपने घर जाते थे, अपने माता पिता को कन्विंस करते थे, बुजुर्ग लोग, मुझे अभी तक याद है गाँव में वैसे बुजुर्ग जो किसी अन्य पार्टी को वोट देते थे, उन्होंने इस पार्टी को वोट करा, सारे युवा घर जाते थे, अपने माता पिता को समझाते थे, कन्विंस करते थे कि नहीं ये सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। हर पेपर का कटिंग युवाओं के पास है, पेपर में आप निकालते हैं कि 3 लाख वैकेंसी खाली है, रेलवे में ये खाली है, वो खाली है, हम विकास करेंगे। अरे भाई साहब यही तो आप विकास कर रहे हैं, यही विकास है आपका। कौन कहता है भारत में विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ है। चावल पे टैक्स लगे, चावल के दाम बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए, आटा के दाम बढ़ गए, बेसन के दाम बढ़ गए, रिफाइन के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ गया, यही तो विकास है। 15 लाख आने थे अकाउंट में, अब यहां तो अपने खाने के लाले पड़े हैं, ये विकास है। क्या कर रहे हैं आप,
बच्चे ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं, आप ट्विटर पर से ट्वीट हटा रहे हैं, यही विकास कर रहे हैं आप, यही विकास है आपका। तो याद रखिएगा, जब गरीब का दिल टूटता है ना तो सीधे पड़ता है, पड़ेगा। और आपने बड़ा दिमाग लगाया, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, इसी में वैकेंसी ठेल देते हैं। एक दिन पहले वैकेंसी आती है, अगले दिन से ऑनलाइन होती है। वाह जी वाह, कोई कुछ नहीं करेगा। हमें राम मंदिर से ऐतराज नहीं, हमें मस्जिद से ऐतराज नहीं है, गुरुद्वारा से भी ऐतराज नहीं है। जो करना है कीजिए, लेकिन युवाओं को क्या करना है, ये भारत के नौजवान युवाओं को क्या करना है, एक बार आप आके कह दीजिए। आप एक बार युवाओं के सामने रूबरू होइए और ये बताइए, हम सारे युवा ये मांग करते हैं कि आप सारे युवाओं के सामने एक बार रूबरू होइए और ये बताइए, युवा क्या करे, एक लाइन में बोलिए, युवा क्या करे। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, मेरा वादा है आपसे, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। अब बोल दीजिए हम वैकेंसी नहीं देंगे। कहा जाता है ना, ये भारत सबका है। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, मेरे जैसा आप भी एक भारत का आम नागरिक थे, आम जनता थे। भारत के युवाओं ने, भारत के लोगों ने वोट करा, आपको प्रधानमंत्री बनाया, तो आज आप प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले आप प्रधानमंत्री नहीं थे, माँ के पेट से जब आपने पैदा लिया था, आप जवान हुए, उस टाइम तक आप प्रधानमंत्री नहीं थे। हमारे जैसे, इनके जैसे, उनके जैसे, सारे युवाओं के जैसे देश का एक आम नागरिक थे। प्रधानमंत्री हमने बनाया आपको, हमने वोट करा आपको, और आज आप प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे तानाशाही कर रहे हैं जैसे लगता है कि कहीं से कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़िएगा। ऐसे नहीं होता है साहब, हाथ जोड़ते हैं।